law bana hai, ye bahut specific law hai, workplaces ke liye hai, definition mein likha gaya hai ki sirf workplaces ke liye hai. Lekin, interestingly, halanki iske title mein likha hai protection against harassment of women at the workplace, jahan ye padhte hain bahut scary stories, jahan harassment ho rahi hai, ladkiyon ne aapko matlab khudkushi ki hai because they've been absolute last. I know sabko chai ki bahut zarurat ho rahi hai. Main just sirf ek baat main kehna chahti hu again regarding equality ke jahan tak trade unions marid ke liye nahi hai lekin aurat ka bhi utna hi haq hota hai ki wo trade union join kare. Abhi aur agricultural mein kaam kar rahi hoti hai ya domestic workers hoti hai ghar mein kaam karne hoti hai. Unfortunately ye jo law hai ye sirf hai lekin phir bhi aap kisi bhi community mein chale jaye aap sabko pata hai zyadatar auratein ghar mein baithi hoti hai embroidery kar rahi hoti hai. They're making no law. There's limited law. I'll say there's very limited on home-based workers. I corrected myself. There's limited. You're right. I think it's in Punjab. The other provinces don't have it yet. Then why they do that? So that concludes my little bit of an explanation. If there are any questions, you can ask Ravi or later. Yes. If you want to ask, I would like to ask you. Yes, sir. My name is Dr. Mushtaq Nurwala. और मैं बेसिकली मतलब साइंटिस्ट के लिए काम करता हूँ. कानून ये कहता है इक्वलिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. आपने उसको बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है. मुझे ये बताइए कि उन औरतों का क्या कसूर है या उन मर्दों का क्या कसूर जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं. क्या गवर्नमेंट ने उसके लिए कोई लेजिस्लेशन की कि उनको इक्वल प्रोटेक्शन. कोर्ट एफआईए जो है जो आपकी है वो अवेलेबल है
और अब आप उस पर जाके उनके से। अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, एग्जीक्यूशन कोर्ट शामिल होना पड़ेगा, टीचर्स का बहुत अहम रोल है। अमीरा को मैंने सुना, मैं समझता हूँ कि ये तो खुद एक मैं समझता हूँ कि एक ऑनर है कि हमने इंस्टीट्यूशन रखा, लेकिन वहाँ पे रिसर्च करना कि उसमें मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, उन्होंने अच्छी तरह से एलैबोरेट किया। प्रोग्राम चाहिए होंगे टू बिल्ड पाकिस्तान एज ए नेशन। थैंक यू वेरी मच। साइकिल के ग्रांट थी, उसमें सपोर्ट किया, और इन्होंने आज कश्मीर में अगर उनकी आप कहा लोते कहानियां या सक्सेस स्टोरी सुनते, वो लॉयर हमेशा वो रूल ऑफ लॉ के लिए अपना एक अहम रोल जो है पर है उनका वो अदा करते हैं। रूल ऑफ लॉ में डेफिनेटली जस्टिस स्टेक होल्डर्स चार है और पांच जितने भी रहे इसमें इन्वॉल्व, चाहे बार हो बेंच हो पुलिस, रूल ऑफ लॉ में कल भी एक वो जो हब ग्रांट्स के तहत दिखाया गया और मैं बता दूं कि शिकारपुर हो जेकबाद हो लाखाना जो ये नॉर्थ सिंध है वहां ऐसी ट्रेडिशनल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस पे बात करना बड़ा इशू था। तो मेरे लिए एम्बेसी इंटरनेशनल वाज अ इंस्टीट्यूशन एंड इट वाज माय फर्स्ट यूनिवर्सिटी, मैंने उसको ज्वाइन किया एंड ग्रेजुअली मैंने एम्बेसी इंटरनेशनल से वुमेन की चाहे वो जिरगा हो चाहे कारोबारी हो या और प्रैक्टिस हो उस पर काम किया एंड देन आई लैंडेड इनटू द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। और जब मैंने मास्टर्स किया ह्यूमन राइट्स में फ्रॉम द लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, और जब इट्स वेरी इजी कि जब हम लोग बैठते हैं और राइट्स के बारे में बात करते हैं तो उसकी कॉन्सेप्चुअल एंड फिलोसॉफिकल और उसके ओरिजिन उसकी कंटेंट उसका बड़ा इशू होता है, क्योंकि कभी बहुत सी टाइम पे हम उनकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते। मैं जब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को एनालाइज कर रहा था उधर यूनिवर्सिटी में, तो आप लोग हैरान हो जाएंगे कि खवातीन के बारे में, वुमेन राइट्स के बारे में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ which was adopted on 10th December 1948. It does not contain a single article about women rights except related to marriage. Under the Union Declaration of Human Rights or fir uski elaboration aage ke International Covenant on Civil and Political Rights and International Covenant 66 mein aaye aur UDHR aur do laws ko banaye hum, kya jo concept tha वो अभी तक रियलाइजेबल नहीं था। देन घर की भी जरूरी है, आपके वालदैन की भी जरूरी है, ग्रास रूट लेवल पे। यहाँ हमारे हमारे वर्ल्ड के अंदर दो एक्सट्रीम्स हैं, खवातीन प्राइम मिनिस्टर बनी है जो आज तक अमेरिका में नहीं बन सकी, मेरा ख्याल है आप सब इस बात पे। हमारे एशिया में सबसे ज्यादा प्राइम मिनिस्टर्स वुमेन बनी है, तो हमें इस पे प्राइड लेनी चाहिए, हमें इस पे शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। अमेरिका नहीं बना पाया अभी तक एक भी खातून को प्रेसिडेंट, जो बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड है जो गेन कर रहा है। तो यहाँ हमें ये पाकिस्तान में हर तीसरा शख्स डिप्रेशन का शिकार है। तो अब देखिए अलार्मिंग हद तक हम पहुँच चुके हैं कि हम दुनिया से अलहदा चले भी आते हैं। डिस्पैरिटी को खत्म होना चाहिए, इसके लिए जो ताहिर साहब ने कहा कि चाहे वो लॉ में काम कर रहे हो, लॉयर्स हो, उनकी कोई एसोसिएशन हो, वुमेन के लिए काम कर रहे हो, मेल के लिए काम कर रहे हो। बांग्लादेश में मैं गई, वहाँ मुझे मालूम हुआ कि मेल के साथ ज्यादा सेक्सुअल अब्यूज होती है एज कम्पेयर टू द फीमेल। तमाम डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जो हम कोशिश करें कि लिंक डेवलप हो जाए, ब्रिज का ले करें, तो यकीनन हम समझते हैं सीनियर मैनेजर हैं, जेंडर के डिपार्टमेंट को देखते हैं हम इन सर तो अपने बारे में भी बताएं का जो जेंडर डिपार्टमेंट है वो किस तरह का ताल्लुक है। मेरा ताल्लुक है, मेरी अपनी शुरुआत भी जो मेरा बीच है वो औरत फाउंडेशन, जो बड़ी बहन है आयशा नहीं वो रेजिडेंट डायरेक्टर, तो हैंड से जेंडर पूरा पोर्टफोलियो हमने डेवलप किया वहाँ पे हैंड्स में, और उसके साथ साथ पॉलिसीज पे सबसे ज्यादा पहले काम किया और खवातीन के लिए स्पेशल पॉलिसीज हमने बनाई, इनिशिएटिव लिया, क्योंकि खवातीन का वर्क बर्डन बहुत ज्यादा होता है तो उनकी भी रिलीज भी ज्यादा होनी चाहिए। तो ये मैं हमने ज्यादा इदारों में नहीं, लेकिन हमने हैंड्स में ही करवाया कि 27 लीव्स हमने वहाँ पे अप्रूव करवाई जो कि मर्दों से बहुत ज्यादा है और लॉ में भी इतना नहीं है, तो ये भी स्पेशल हमने काम करवाया। इस तरह के बहुत से बेनिफिट हैं
अगर हम TADA की बात करें, वाली ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा करती हैं तो और बहुत सी वजूहत होती है, घर का काम होते हैं तो वो जाहिर से भी प्राइस ज्यादा कर रही होती है। तो इसी तरह की मुख्तलिफ पॉलिसीज हैं जो कि हम हेड्स में लेके आए, पूरे स्टैंडर्ड ऑपरेशनल पॉलिसी है जेंडर की, अगर हरासमेंट होता है वर्क प्लेस पे हरासमेंट होता है तो जाहिर को हमने लिंक किया इस अपनी पॉलिसी से जो कि हरासमेंट वर्क प्लेस की पॉलिसी है। अगर ग्रासरूट लेवल पर हरासमेंट हो रहा है तो उसको किस तरह चैनलाइज किया जाएगा वो हमारी पूरी डिफाइंड पॉलिसी है, नहीं आ रही है। लेकिन माँ पारा को मैं सैल्यूट करूँगी और माँ पारा की वजह से हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं कि हम जो मैंने खौफ देखा था हमने वो, क्योंकि हमें कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है कि खातून, सबसे पहले खातून अगर अपना घर छोड़ के आ रही है तो बहुत मजबूरी से आ रही है, ये आप सबकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कोई खातून खुशी खुशी अपना घर छोड़ के नहीं आ सकती। तो वो 24 आवर्स ओपन है हमारे लिए, हमारा शेल्टर होम में हमारा फुल टाइम स्टाफ वहाँ पे होता है और बहुत ओपन है कि कोई खातून आएगी तो आपने उसको वापस नहीं करना है। रिक्वायरमेंट बाद में होती रहेगी, उसका शनाख्ती कार्ड है या नहीं है, किसने रेफर। तो जब लॉ रिफॉर्म की बात होती है तो ये डिस्कशंस जो है ये सिर्फ अपने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स बिल की बात की, तो ये पास हो गया, सुनने में आया था कि पास हो रहा है, हो जाएगा, अनुषा रहमान जिद पे लगी नहीं और फिर वो पास हो गया। और डिजिटल राइट्स फाउंडेशन और कुछ NGOs की जिनने इसके बारे में आगा किया, लेकिन ये परफेक्ट कानून नहीं है, इसके अंदर बहुत इश्यूज हैं और काफ़ी हद तक ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को इम्पीड करता है। अब सोशल मीडिया पे आपको पता है कि यूथ की पूरी जिंदगी जो है वो सोशल मीडिया पे गुजरती है, ठीक है, तो ये एक ऐसा इशू है जो उनकी इमेजिनेशन को फायर कर सकता था, क्योंकि इंस्टाग्राम पे तस्वीरें डाल रहे होते हैं, फेसबुक पे होते हैं और हम जो इधर बैठे हैं हमारी भी काफ़ी जिंदगी सोशल मीडिया पे गुजरती है। तो ये एक ऐसा इशू था कि फेसबुक पर डाल दें उनकी कंसेंट उनकी रजामंदी के बगैर विद एन इंटेंशन टू अनोय, दैट्स अ क्राइम। तो अब पिछले महीने चाय वाला का इंसिडेंट सबको याद है, चाय वाले की उसके अंदर बहुत यानी कि एथनिक और रेशियल और क्लास इश्यूज भी आ रहे थे, बहरहाल किसी की तस्वीर डाली जिंदा जो भी है क्योंकि ये सब्जेक्टिव राइट, तो उसकी डाल दी, तो दैट वुड बी अ क्राइम अंडर दिस के मुताबिक। लोग अपने आबा और जात गुजरात के ज़माने से इस्तेमाल करते आए हैं, वो उनसे छीनी जा रही थी और तकरीबन 40,000 एकड़, तो वो हमारे बहुत बुजुर्ग एक्टिविस्ट हैं जो कि डिसेबिलिटीज के लिए करते हैं, आप जो कम्युनिटी से जब भी हमें काम पाते हैं एक बंदा याद आता है और वो हमेशा भी रिस्पॉन्ड करते हैं और हमेशा हमारे काम निकल जाते हैं। मैं इन्वाइट करना चाहूंगा आपकी भरपूर तालियों में हो सके। कुछ ऐसी खातिर जो बाकी ग्रास अगर आप हमारे लिए रहमान है, हम सब जानते हैं इनको, रेमनेस को अशोक का पहलो भी है, अशोक का पहलो भी माइनॉरिटी से हकूक की बात करें या माइनॉरिटी से गर्ल्स एजुकेशन एजेंसी की, आज हमारे दरमियान सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जरा चाहिए देख हमारे इस दौरे के इवेंट के हमारे साथ 2 लाख मीडिया है पूरी टीम को बहुत ज्यादा चल रही है। साहब आप SME फाउंडेशन के चेयरमैन, आज का जो कॉन्फ्रेंस थी अबाउट द वुमन पावरमेंट, इस हवाले से क्या कहेंगे, इसकी अहमियत के हवाले से? देखें इस वक्त जो आज का जो सेगमेंट था ये रोशनी हेल्प लाइन ने इस तकरीब को मुनक़द की है और इसमें खुसूसी तौर पर जो औरत फाउंडेशन है या फीमेल्स के जो राइट्स हैं उनके ऊपर बड़ी अच्छी गुफ्तगू की गई है और जो अभी रिसेंटली बिल पास हुए हैं जो इनके ख़वातीन के लिए, उसको बड़ी अच्छी तरीके से जो है उनको हाईलाइट किया गया है
और उसको एक अवेयर किया गया है लोगों के दरमियान में, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। और रोशनी हेल्पलाइन USAID के ताउन से जिस तरह के इकदाम कर रहा है, खसूस तौर पर मिसिंग पर्सन जो बच्चे हैं उनके लिए जो वो काम कर रहे हैं, तो वो इंतहाई अहसन इकदाम है। और मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह के तकरीबात मुनक़द होते रहेंगे, ख़ास तौर पर आज लॉयर हजरात जो हमारे एडवोकेट वकला हजरात हैं, ख़वातीन हैं, उनको मदद किया गया और ये अवेयरनेस प्रोग्राम दी गई है, तो लीगल इश्यूज़ जो है वो उस तरह के जो मैटर्स आते हैं जो ख़वातीन को हैं, बच्चे को है, तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा एक अमल है और इसको कंटिन्यूटी इसकी रहनी चाहिए ताकि ये अवेयरनेस जारी रहे। होने चाहिए जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुक्रिया। देखें जी, रोशनी हेल्पलाइन गुज़िश्ता कई सालों से जो है वो कराची में बच्चों और ख़वातीन के तहफ़ुज़ के हवाले से काम कर रहा है। तो जहाँ हम तहफ़ुज़ और राइट्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम कानून और वकला को जो है अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये हमारी दो रोज़ा कॉन्फ्रेंस थी जो कि USAID और औरत फाउंडेशन के तआवुन से हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की थी। इस दो रोज़ा कॉन्फ्रेंस में हमने डिस्कस किया कि जो नए कवानीन बनाए गए हैं या जो नए कवानीन आए हैं बच्चों के या ख़वातीन के राइट्स के हवाले से, उनकी प्रोटेक्शन के हवाले से, वो डिस्कशन में आए हैं। और आज के हमारे ये दो दिन के जो दो रोज़ा जो हमारी कॉन्फ्रेंस थी, इस दो रोज़ा कॉन्फ्रेंस के जो पार्टिसिपेंट थे, ये जो पार्टिसिपेंट थे ये ज़्यादातर वकला थे, स्टूडेंट्स थे। तो इसमें जो है हमने ये डिस्कशन किया कि ये जो नए कवानीन आए हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे मुमकिन बनाई जा सके। तो ये हमारे दो दिन का इस लॉयर कॉन्फ्रेंस का एजेंडा था। थैंक यू।